हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंग्लिश एडवांटेज यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में मैं आपको डिटेल में ये बताऊंगा कि किस तरीके से जो रैंकर्स होते हैं वो क्वेश्चंस को करते हैं। और आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे लोग बैंक के एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, 3 या 4 साल में भी वो एग्ज़ाम को नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन कुछ लोग केवल 3 से 4 महीने की तैयारी में इन एग्ज़ाम्स को निकाल देते हैं। तो इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न होता है लॉजिकल रीजनिंग को अप्लाई करना। बैंक के एग्ज़ाम्स में जितने भी सेक्शन आते हैं, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो या करंट अफेयर्स हो, वहाँ पर लॉजिकल रीजनिंग को अप्लाई करना। तो इस वीडियो क्लास में मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताऊंगा और उन क्वेश्चंस को कैसे करना है, सही तरीका क्या है बैंक के एग्ज़ाम्स में स्कोर करने का और निकलने का, तो वो मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा। प्लीज़ इस पूरे वीडियो क्लास को आप एंड तक देखिए, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा इंग्लिश सेक्शन में। यदि आप पूरा देखेंगे तभी आपको फ़ायदा होगा, यदि आप पूरा देखना नहीं चाहते हैं तो प्लीज़ इस पूरे वीडियो क्लास को यहीं पर आप स्किप कर सकते हैं। देखिए, ये है डायरेक्शन पार्ट, और डायरेक्शन पार्ट को आपको ज़रूर ज़रूर पढ़ना है, पर्टिकुलरली बैंक पी ओ मेन्स एग्जाम में, क्योंकि डायरेक्शन पार्ट में ही लिखा होता है कि क्वेश्चन को आपको कैसे करना है और एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है। तो डायरेक्शन पार्ट को आप ज़रूर पढ़ें। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 1 है और वर्ड रिप्लेसमेंट का ये क्वेश्चन है। यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है, 3 वर्ड्स को इसमें बोल्ड किया गया है और हो सकता है वो तीनों वर्ड्स गलत हों, सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं। यदि गलत हैं तो उनका रिप्लेसमेंट क्या होगा, ये आपको देखना है, और आपके सामने ऑप्शन आ गए हैं, इन रिप्लेसमेंट में से सही आपको देखना है। अब देखिए, रैंकर्स कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को, जो 3 से 4 महीने की तैयारी में निकल जाते हैं बैंक के एग्जाम्स, वो ट्रिक से करते हैं, वो लॉजिकल रीजनिंग को अप्लाई करते हैं। अब देखिए, इंसोमनिया एक डिजीज का नाम है, और अनिद्रा इसको बोलते हैं हम हिंदी में, जिसमें नींद नहीं आती है, ठीक है। इंसोमनिया इज बिकमिंग अ वेरी स्टर्न डिजीज। अब देखिए, यहाँ पर डिजीज के साथ आप स्टर्न वर्ड नहीं लगा सकते, क्योंकि स्टर्न का मतलब होता है कठोर, और स्टर्न जो वर्ड है ये यूज़ करते हैं हम लोगों के साथ या उनके जो मैनर्स हैं उसके साथ स्टर्न का हम यूज़ करते हैं, जैसे स्टर्न फेस या स्टर्न बिहेवियर, लेकिन डिजीज़ के साथ हम इसको यूज़ नहीं करते। डिजीज़ के साथ हम क्रॉनिक वर्ड यूज़ कर सकते हैं, डिजीज़ के साथ हम सीरियस वर्ड यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए, आपको इन तीनों वर्ड्स को एनालाइज करने की अपेक्षा केवल एक वर्ड को एनालाइज करना है। यहाँ पर आप यदि सही वर्ड ढूंढ लेते हैं तो ये वर्ड जो है और तीसरा जो वर्ड है वो अपने आप ही सही हो जाएंगे। अब डिजीज के साथ क्या आ सकता है, क्या स्टैटिक आ सकता है, नहीं आ सकता। क्या सीरियस आ सकता है, आ सकता है। क्या साइमल्टेनियस आ सकता है, नहीं आ सकता। क्या स्ट्रिक्ट आ सकता है, स्ट्रिक्ट होता है रूल्स एंड रेगुलेशन या किसी व्यक्ति का बिहेवियर, ठीक है। तो डिजीज़ के साथ केवल और केवल सीरियस वर्ड आ सकता है और सीरियस ही इसमें आएगा। अब आपने केवल एक ही वर्ड देखा, केवल इन 2 वर्ड्स को नहीं देखा कि इम्प्रूविंग के स्थान पर क्या आएगा या लाइक के स्थान पर क्या आएगा, ये आपने नहीं देखा। आपने पहले ऑप्शन में ही, चूंकि आप श्योर हैं कि यहाँ पर डिजीज़ के साथ सीरियस ही आ सकता है, इसलिए आपका आंसर इसमें बी ही होगा। इस तरीके से आप करेंगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा और एक्यूरेसी जो आएगी बहुत हाई लेवल की आएगी सभी तरह के क्वेश्चंस में। अब देखिए, चूंकि ये वीडियो क्लास है इसलिए मैं आपको एंड तक इसमें बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, बिकॉज ऑफ इम्प्रूविंग लेवल्स ऑफ स्ट्रेस, मतलब लोग अनिद्रा का शिकार हो रहे हैं। क्यों शिकार हो रहे हैं, ये एक सीरियस डिजीज है, क्योंकि स्ट्रेस का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर मैं इम्प्रूविंग नहीं बोलूँगा, इम्प्रूविंग तो स्ट्रेस को इम्प्रूव करना, मतलब इसका उल्टा वर्ड हो गया, ये तो इंक्रीजिंग हो रहा है, स्ट्रेस का जो लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं है लोगों के पास, इसलिए उनको अनिद्रा की बीमारी लग रही है और उनका जो स्ट्रेस लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। तो लैक भी यहाँ पर सही हो गया, इंक्रीजिंग भी सही हो गया और सीरियस भी सही हो गया। लेकिन यहाँ पर आपने क्या देखा, आपने केवल इसको देखा, और ये चीज़ कैसे आएगी, ये चीज़ कॉन्टेक्स्ट को समझना, ये आता है रीडिंग से। तो इसलिए बैंक के एग्जाम्स में यदि निकलना है तो रीडिंग इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस, रीडिंग आपको रेगुलर बेसिस पर करनी है। तो बी इसमें आपका सही आंसर होगा। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है बैंक के एग्जाम्स के लिए, और कैसे आप इंग्लिश सेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, क्या उसमें इंप्रूवमेंट हो सकता है, ये प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताइए, ताकि मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकूँ। अब देखिए, सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने है और ऑप्शन आपके साथ आ चुके हैं।
अब देखिए, ही वॉज नॉट एट ऑल रेडी टू, अब यहां पर केवल एक्सेप्ट वर्ड ही आ सकता है, मतलब वह रेडी नहीं था, वह इस चीज को स्वीकार करने के लिए रेडी नहीं था। क्या इसमें रेडी वर्ड, क्या इसमें एक्सेप्ट वर्ड दिया है? एक्सेप्ट वर्ड दिया है। अब सबसे ज्यादा चॉइस इसी की बनती है, सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी इसी की बनती है कि यह आंसर हो सकता है, लेकिन तीनों हम मिला के देख लेते हैं। ही वॉज नॉट एट ऑल रेडी टू एक्सेप्ट, दैट इज फादर वॉज नो मोर, ऑल्दो ही वॉज ऑल एवर्स, एवर्स भी यहां पर सही है, एवर्स टू हिज एडवाइस भी सही है, रिगार्डिंग एनी मैटर ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। इस सेंटेंस का मतलब ये है कि वो तैयार नहीं था इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए कि उसके फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। ऑल दो मतलब एक कॉन्ट्रास्ट दिखा रहे हैं, हालांकि वो कभी भी उनकी एडवाइस से एग्री नहीं करता था, हमेशा उनकी एडवाइस से वो एडवर्स था, उसको लाइक नहीं करता था वो। तो यहाँ पर जो एवर्स वर्ड आ रहा है ये सही है, और एवर्स के साथ हम टू लगाते हैं तो उस हिसाब से भी ये सही है, एवर्स, एवर्स टू, एवर्स टू मतलब किसी चीज़ को डिसलाइक करना, और एडवाइस हिज, हिज के बाद यहाँ पर नाउन चाहिए तो एडवाइस का नाउन फॉर्म यहाँ पर चाहिए, और नाउन फॉर्म इसका होता है ADVICE। तो एडवाइस भी यहाँ पर सही है, एवर्स भी यहाँ पर सही है, लेकिन आपने एवर्स और एडवाइस को मैंने नहीं देखा, मैंने केवल एक्सेप्ट को देखा, कॉन्टेक्स्ट को समझा, और कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट वर्ड यहाँ पर सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। अब देखिए, इस तरीके से आप करेंगे तो आपका टाइम बहुत कम खर्च होगा और एक्यूरेसी लेवल बहुत आपका हाई आएगा, ऐसे इन क्वेश्चंस को करना है, ठीक है। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है और सेम तरीके से मैं इसको करके आपको बताऊंगा। अब देखिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नीड टू ब्रेक द ग्रिप ऑफ डिफेम्ड कैपिटलिज्म थ्रू मोर कॉम्पिटिटिव मार्केट, अ रीइंस्टेटेड फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी, ग्रेटर रिलायंस। देखिए, केवल एक ट्रिक मैं बताऊंगा और पूरा क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, विद इन सेकेंड्स इसका आंसर मैं निकाल के बताऊंगा। देखिए, यदि आप रीड करते हैं रेगुलर बेसिस पर तो आपको ये पता होगा कि फोकस, फोकस के साथ हम प्रपोजिशन ऑन लगाते हैं, फोकस ऑन समथिंग। उसी तरीके से रिलायंस जो वर्ड है, किसी चीज पर निर्भर होना, तो रिलायंस के बाद भी हम ऑन लगाते हैं। ऑन देखिए इसमें कहाँ पर है, कहाँ पर है इसमें ऑन? ऑन केवल एक ऑप्शन में है, इस ऑप्शन में है ऑन, इसलिए आपका आंसर होगा सी। मैंने पूरे क्वेश्चन को नहीं पढ़ा, मैंने सारे वर्ड्स नहीं पढ़े और सही आंसर आपके सामने निकाल के ला दिया। और यही तरीका है, यही एक सीक्रेट है रैंकर्स का, जो 3 से 4 महीने की तैयारी में बैंकिंग एग्जाम को निकालते हैं और एक शानदार करियर उनको मिलता है, और कुछ लोग हार्डवर्क करते रहते हैं 4-4, 5-5 साल तक और एग्जाम्स को नहीं निकाल पाते हैं। ये है सही ट्रिक, ऐसे आपको क्वेश्चन को करना है, चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, चाहे क्वांट हो, चाहे DI हो, चाहे पजल हो, ऐसे इन क्वेश्चंस को करना है आपको, ठीक है। रिलायंस का मतलब होता है निर्भर होना, तो आप किसी चीज के ऊपर निर्भर होते हैं। फोकस का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर फोकस होना, तो फोकस और रिलायंस के साथ हम ऑन लगाते हैं, तो इसलिए आप, अब आपके ये तीनों ऑप्शन है, यदि आप पढ़ें तो ये सही हो जाएंगे आपके। देखिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नीड टू ब्रेक द ग्रिप ऑफ स्टिग्मेटाइज कैपिटलिज्म, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का मतलब है कि जो कैपिटलिज्म है, जिसमें पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या डोमिनेट होता है, पैसे के बिना आप कुछ काम नहीं कर सकते, वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का ही एक पार्ट है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में उसको आपको ब्रेक करना पड़ता है, तो स्टिग्मेटाइज का भी मतलब वही है कि वहां पर वो रुका हुआ है या अटका हुआ है। थ्रू मोर रिलायंस बाय रूल्स, इसका मीनिंग आपका यही निकलेगा कि एक कैपिटलिज्म जो है उसको हटाना है, वो एक इकोनॉमिक रिफॉर्म का एक पार्ट है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको करना है, ठीक है। और जल्दी ही मैं लाइव क्लासेस शुरू करने वाला हूँ, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है ये मुझे आप बताएं, ताकि स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम आ रही है इंग्लिश सेक्शन में, वो मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट होकर आप अपनी सॉल्व कर सकें। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को भी मैं उसी तरीके से आपको बताऊंगा, और केवल एक ट्रिक आपको बताऊंगा, और उस ट्रिक से इस पूरे क्वेश्चन का आंसर आपके सामने आ जाएगा। देखिए, द इम्पोजिशन ऑफ पॉलिसीज मस्ट बिगिन फ्रॉम ब्लॉक लेवल विथ इंसेंटिव एंड। अब देखिए, यहां पर पॉलिसीज की बात हो रही है, ठीक है। अब पॉलिसी को हम क्या करते हैं, पॉलिसी के साथ इम्पोजिशन वर्ड नहीं आ सकता। इम्पोज हम करते हैं टैक्स को, टैक्स के साथ ही इम्पोजिशन वर्ड आता है। पॉलिसी के, यहां पर तो पॉलिसी को लागू करने की बात हो रही है,
तो पॉलिसी को लागू करने के लिए दो वर्ड हैं, एक तो एग्जीक्यूशन है और एक इम्प्लीमेंटेशन है। तो इन दोनों में से ही कोई एक वर्ड आएगा। अब देखिए, एक तो मैंने ये लॉजिक बताया, इसमें मैंने तीन जो आपके ऑप्शंस हैं उनको एलिमिनेट कर दिया, दो आपके ऑप्शन निकाल लिए, एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन। अब देखिए यहाँ पर, आप देखिए विद इंसेंटिव एंड, इंसेंटिव कैसा वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है या पॉजिटिव वर्ड है? पॉजिटिव वर्ड है। इंसेंटिव का मतलब होता है बेनिफिट। तो जब इसको मैं एंड के साथ जोड़ूंगा तो एंड के साथ इंसेंटिव का इक्विवेलेंट वर्ड यहां पर जुड़ेगा, और इंसेंटिव का जो इक्विवेलेंट वर्ड है वो है बेनिफिट्स। अब देखिए, बेनिफिट्स केवल इन दोनों में से एक में दिया है, बी में दिया है और डी में दिया है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि इन दोनों में से ही एक आंसर होगा। तो बेनिफिट किस में दिया है, बी में या डी में? डी में दिया है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन मैंने नहीं पढ़ा, पूरे क्वेश्चन का अर्थ निकालने की मैंने कोशिश नहीं करी, मैंने मीनिंग्स को जानने की कोशिश नहीं करी, और सही आंसर आपके सामने आ गया। तो ये है बेस्ट तरीका, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, और इसको भी मैं सेम तरीके से आपको बताऊंगा। मैं आपको सेंटेंस का मीनिंग नहीं बताऊंगा, केवल आंसर आपको निकाल के बताऊंगा, और वो भी लॉजिकली उसको प्रूव करूंगा मैं। अब देखिए, द ग्लोबल स्टार्टअप सीनरी इज स्टिल कंट्रोल्ड बाय, देखिए स्टार्टअप का जो पूरा सीन है वो एक्चुअली वेस्ट के द्वारा कंट्रोल नहीं हो सकता। इसको वेस्ट कंट्रोल नहीं कर रहा, वेस्ट इसको इन्फ्लुएंस कर सकता है या इन्फ्लुएंस कर सकता है इसको, ठीक है। कंट्रोल एक अलग चीज है, तो इसमें इन्फ्लुएंस वर्ड आ सकता है, और हाँ डोमिनेट वर्ड भी आ सकता है, क्योंकि वो डोमिनेट कर रहा है, मतलब वहाँ पर स्टार्टअप्स ज़्यादा हैं। जैसे चाइना में, चाइना तो क्या एशिया में है, जैसे वेस्ट में अमेरिका में या इंग्लैंड में, वहाँ पर स्टार्टअप ज़्यादा चल रहे हैं, उसको ज़्यादा बूस्ट किया जा रहा है, ठीक है। द ग्लोबल स्टार्टअप सीनरी इज स्टिल बाय द वेस्ट, तो बाय एक वर्ड आएगा, दो अ डिसर्नेबल फेज इज अंडर वे, मतलब यहाँ पर हम ये बोल रहे हैं कि स्टार्टअप की जो सीनरी है, स्टार्टअप का जो पूरा सीन है वो वेस्ट में ज़्यादा है, लेकिन इसमें एक शिफ्ट देखा जा रहा है, उसमें एक चेंज देखा जा रहा है। तो एक शिफ्ट वर्ड यहाँ पर आ सकता है, फेज नहीं आएगा यहाँ पर, यहाँ पर शिफ्ट वर्ड आ सकता है, और शिफ्ट इसमें डोमिनेटेड भी दिया है, यानी डोमिनेटेड बाय भी हम बोल सकते हैं यहाँ पर, और शिफ्ट भी बोल सकते हैं। तो यदि इस हिसाब से देखा जाए तो डी इसमें आपका सही आंसर होगा, ठीक है। टेरेन एक्चुअली ज्योग्राफी में यूज होता है, टेरेन वर्ड गलत है, सेटिंग वर्ड गलत है, वो फिजिकल सेंस में यूज होता है, पिक्चर वर्ड गलत है, लैंडस्केप सही है, लैंडस्केप के साथ डोमिनेटेड वर्ड लगा है, क्योंकि स्टार्टअप का जो पूरा सीन है वो वेस्ट, अमेरिका, यूएस और आपका इंग्लैंड, ये इसके द्वारा डोमिनेट किया जा रहा है। लेकिन अब ये क्या है कि इंडिया और ईस्टर्न कंट्री में भी स्टार्टअप का जो शिफ्ट है वो शुरू हो रहा है, तो इसलिए शिफ्ट वर्ड भी यहाँ पर सही है, और डी इसमें आपका सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसको भी मैं बिल्कुल सेम तरीके से आपको बताऊंगा, मैं एक क्वेश्चन करके नहीं बता रहा, मैं आपको 10 क्वेश्चन करके बता रहा हूँ, और सेम इस तरीके से आप कर सकते हैं। व्हाइल स्ट्रेसिंग द रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट, देखिए रोल ऑफ इन्वेस्टमेंट को हम स्ट्रेस, हालांकि स्ट्रेस का मतलब भी जोर देना होता है, लेकिन स्ट्रेसिंग वर्ड यहाँ पर इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इस रेफरेंस में जैसे इन्वेस्टमेंट का क्या रोल है इस पर जोर देने की बात हो रही है, तो इसके लिए हम एम्फेसाइज वर्ड यूज कर सकते हैं, हाईलाइट वर्ड यूज कर सकते हैं, स्ट्रेस नहीं। स्ट्रेस का मतलब होता है जोर देना, जैसे जैसे किसी वर्ड पर हम जोर देते हैं, जैसे इंग्लिश में कुछ वर्ड होते हैं, एक सिलेबल को हम स्ट्रेस करते हैं, तो लैंग्वेज के सेंस में ये स्ट्रेस वर्ड यूज होता है, स्ट्रेस वर्ड यहाँ पर नहीं आएगा। इसमें या तो हाईलाइट आ सकता है या एम्फेसाइज आ सकता है, इन दोनों में से एक इसका आंसर होगा। अब देखिए, लेकिन इन दोनों में से कौन सा आंसर होगा ये मैं आपको बता देता हूं। यहां पर देखिए इशू एक वर्ड आया है, और इशू हैज टू बी अंडरटेक, अब हैज टू बी के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, यानी अंडरटेक वर्ड गलत है यहां पर। इशू को हम क्या करते हैं, इशू को हम हमेशा एड्रेस करते हैं, इशू एक प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम को हमेशा एड्रेस करते हैं, यानी ए और बी में से बी आपका सही आंसर होगा। तो ये हो गया आंसर। देखिए पूरे क्वेश्चन को मैंने नहीं पढ़ा, इसका मतलब मैंने जानने की कोशिश नहीं करी, और सही आंसर आपको निकाल दिया। तो सबसे पहले आपको ये कोशिश करनी है कि एग्जाम में आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आएँ, आप एग्ज़ाम को क्रैक करें, गवर्नमेंट जॉब आपको हासिल हो, उसके बाद नॉलेज लेने के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है, उसके बाद आप पढ़ सकते हैं और नॉलेज ले सकते हैं। सबसे पहले आपको एग्ज़ाम को निकालने के लिए काम करना है, ठीक है। तो ये मेरी अप्रोच है, मैं आपको डिस्करेज नहीं कर रहा हूँ कि आप पूरे सेंटेंस को नहीं पढ़ें या वर्ड्स को नहीं जाने, लेकिन उससे आपका जो पर्पज है गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का वो आपका सॉल्व नहीं होता है। अब देखिए द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है,
फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ कॉन्सेप्ट वर्ड आ सकता है, स्पेशल इन डेवलपिंग मार्केट। देखिए यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहे हैं, स्पेशली इन डेवलपिंग मार्केट, यानी यहां पर जो वर्ड चाहिए वो स्पेशली का इक्विवेलेंट होना चाहिए, और स्पेशली का इक्विवेलेंट वर्ड है पर्टिकुलरली, यानी इसमें आपका आंसर होगा सी। देखिए 3 या 4 सेकंड में मैंने इसका आंसर आपको निकाल के बता दिया, ये इसका सही आंसर होगा। और यदि आप अब आप इन तीनों वर्ड्स में यदि लगाएं तो ये सही आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मैं सेम तरीके से बताऊंगा, मैं सेंटेंस नहीं पढ़ूंगा, उसका मीनिंग आपको नहीं बताऊंगा, और सही तरीके से इसको लॉजिकली मैं आपको बताऊंगा। पब्लिक एक्सपेंडिचर दैट प्रोड्यूसेस पब्लिक असेट्स हैज ए हायर एंड मोर कंटिन्यूस ग्रोथ मल्टीप्लायर। देखिए इसमें कीवर्ड देखिए मोर, मोर का मतलब क्या है कि दो कोई भी एंटिटी है उनकी तुलना हो रही है, तभी तो यहाँ पर मोर दिया है। और जब हम दो एंटिटी की तुलना करते हैं तो हम सेट टू क्यों लगाएंगे, हम कंपेयर टू लगाएंगे ना, सेट टू क्यों लगाएंगे। कंपेयर किस में दिया है, देखिए कंपेयर किस में दिया है, कंपेयर दिया है बी में, यानी इसका श्योर शॉर्ट आंसर होगा बी। मैंने पूरे सेंटेंस को नहीं बताया पढ़ा, मैंने पब्लिक एक्सपेंडिचर का मतलब आपको नहीं बताया, मैंने कंजम्पशन का मतलब नहीं बताया, और सही आंसर आपके सामने निकाल के रख दिया, इसका आंसर होगा बी। तो ये है रैंकर्स की ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सेम तरीके से मैं आपको बताऊंगा, लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। व्हाइल इट इज एक्नॉलेज्ड दैट द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंट्रीब्यूट टू इंप्रूविंग अर्बन एयर क्वालिटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो हैं वो अर्बन एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं, और ये बात सभी मानते हैं, यानी एक्नॉलेज जो वर्ड है ये सही है यहाँ पर, ठीक है। एक्नॉलेज का मतलब होता है उस चीज़ को एक्सेप्ट करना। तो व्हाइल इट इज एक्नॉलेज दैट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूविंग अर्बन एयर क्वालिटी द गवर्नमेंट पॉलिसी शुड टेक इन टू अकाउंट द लाइफ साइकिल इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट एंड बी एग्नोस्टिक टू द अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी। ये सभी लोग मानते हैं, गवर्नमेंट भी ये मानती है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो अर्बन एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, लेकिन गवर्नमेंट को तुरंत इसको नहीं मान लेना चाहिए, गवर्नमेंट को जो अंडरलाइंग टेक्नोलॉजी है, जो छुपी हुई टेक्नोलॉजी है, उसको क्वेश्चन करना चाहिए, उसको चैलेंज करना चाहिए। एग्नोस्टिक का मतलब होता है डाउटफुल, उसको डाउट करना चाहिए और सही तरीके से इसके पूरे लाइफ साइकिल इम्पैक्ट को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसमें सही है ये, और इसमें सारे वर्ड जो हैं वो सही हैं, और इसमें आपका होगा नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सेम तरीके से मैं आपको बताऊंगा, ऑप्शन आपके सामने आ चुके हैं। द ब्लास्ट इन इमर्जिंग मार्केट्स, इमर्जिंग जो मार्केट्स हैं, जो उभरती हुई मार्केट्स हैं, उसके लिए क्या वर्ड हम लगा रहे हैं, ब्लास्ट। लेकिन ब्लास्ट वर्ड यहां नहीं आएगा, यहां एक्चुअली इमर्जिंग मार्केट में जो उथल पुथल मच रही है उसकी बात हो रही है। तो कंप्लेसेंसी वर्ड भी नहीं आएगा, केओस का मतलब होता है शोर, केओस वर्ड भी नहीं आएगा, टर्बुलेंस वर्ड आ सकता है, क्योंकि टर्बुलेंस का मतलब होता है उथल पुथल, ठीक है। तो टर्बुलेंस वर्ड डेफिनेटली आ सकता है, लेकिन यहां पर देखिए एक मैट्रिक और बताता हूं। एज द टाइटनिंग ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी इन द यूएस फेडरल रिजर्व, यूएस फेडरल रिजर्व जो है वो यूएस की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो मॉनिटरी पॉलिसी इसके अंदर टाइट नहीं होगी, इसके द्वारा टाइट होगी, यूएस फेडरल रिजर्व के द्वारा मॉनिटरी पॉलिसी टाइट होगी, यानी इसमें बाय वर्ड आपको चाहिए, तो बाय वर्ड यहां पर है, और टर्बुलेंस वर्ड भी बिल्कुल सही है, आपका आंसर होगा सी। तो ये है इसका सही तरीका क्वेश्चन को करने का। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा, और इस तरह के वीडियोस मैं अपलोड करता रहूँगा, मैं जल्दी ही लाइव क्लासेस भी शुरू करने जा रहा हूँ, तो उसके बारे में अपने कमेंट मुझे बताइए, और मेरी क्लासेस से क्या आपको फ़ायदा हो रहा है, क्या आप इंग्लिश सेक्शन को इम्प्रूव कर पा रहे हैं, क्या आप उसमें अपना स्कोर इम्प्रूव कर पा रहे हैं, ये प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और इसको इस वीडियो क्लास को लाइक और शेयर आप ज़रूर करें, क्योंकि उससे मुझे थोड़ा सा बूस्ट मिलता है। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।